हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी पर। सो गाइस, आप किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल कुमार एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बेसिकली चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न तथ्यों के बारे में। इसमें क्या क्या बसा है, कौन कौन से उद्यान हैं, कौन कौन सा व्यवसाय होता है, कहाँ पर क्या फसल होती है, इसकी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो। गाइस, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, जो हमारी उत्तर प्रदेश की स्थिति है, वह भारत के उत्तर में यह स्थित है। आप सभी को पता होगा, भारत के उत्तर में 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 सेकंड पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। भाई, जो इसकी स्थिति है वह इस प्रकार है। तो गाइस, यह इसकी स्थिति हो जाएगी कि क्या पोजीशन है। अब आता है हमारा क्षेत्रफल। तो गाइस, जो हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वह हमारा 240,928 वर्ग किलोमीटर। तो गाइस, जब आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो आपको ये बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस, हमारे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह हमारे 240,928 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। मतलब जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का 7.33% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से गाइस, जो हमारा उत्तर प्रदेश है वह चौथे स्थान पर है। सबसे पहले आता है गाइस हमारा राजस्थान, सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, थर्ड पर आता है महाराष्ट्र और लास्ट में फोर्थ रैंक पर जो है हमारा उत्तर प्रदेश है। तो गाइस, जो हमारा उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथे नंबर पर आता है। तो गाइस, ये बेसिकली छोटी सी चीज़ है, आपको याद रखनी चाहिए। अब अगला टॉपिक गाइस यहाँ पर हमारा कि प्रदेश में जो सर्वाधिक, तो गाइस प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो ज़िला है हमारा वह है हमारा लखीमपुर खीरी और यहाँ का जो क्षेत्रफल है वह 7,680 वर्ग किलोमीटर है। जो लखीमपुर खीरी है यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला है। और गाइस, सेकंड है हमारा यहाँ पर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला ज़िला। तो गाइस, जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला ज़िला है वह है हमारा संत रविदास नगर, जिसका क्षेत्रफल 1,015 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला लखीमपुर खीरी और सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला संत रविदास नगर। और गाइस, इसके जो सीमावर्ती राज्य हैं, इसकी जो सीमा है सर्वाधिक राज्य को टच करती है, स्पर्श करती है। भाई, सबसे अधिक राज्य को किस किस को टच करती है, इसमें पहले उत्तर में आता है हमारा उत्तराखंड और उत्तर पश्चिम में आता है हिमाचल प्रदेश, पूर्व में आता है हमारा बिहार और पूर्व में आता है बिहार व झारखंड, पश्चिम में आता है हमारा हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान और दक्षिण में आता है हमारा मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। तो 8 हमारे राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुल जो हमारे सीमावर्ती राज्य को जो स्पर्श करता है उनकी संख्या 9 है, जिसमें एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अब गाइस, यहाँ पर दे रखा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है। तो भाई, जो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है वह है मध्य प्रदेश। याद रखना कि जो सबसे अधिक एरिया को जो टच करता है वह मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। जो सबसे कम टच करता है वह हिमाचल प्रदेश और जो सबसे अधिक टच करता है वह हमारा मध्य प्रदेश। तो गाइस, अब यहाँ पर अगला है कि सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला उत्तर प्रदेश का, भाई वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करता है। तो गाइस, जो सर्वाधिक प्रदेशों को टच करता है वह हमारा सोनभद्र। तो गाइस, जो हमारा सोनभद्र ज़िला है ये सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का ये वह जिला है जो सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करता है। जो स्पर्श करते हैं जिले वो इस प्रकार हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और सहारनपुर। ये 5 राज्य हैं गाइस जिसे सोनभद्र ज़िला टच करता है। अब अगला यहाँ पर गाइस दे रखा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश। भाई, अभी आपको पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है वह हमारा दिल्ली है। तो याद रखना। और इसी प्रकार यहाँ पर और दे रखा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राष्ट्र, भाई एक देश भी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक राष्ट्र है। तो राष्ट्र जो है हमारा नेपाल है और जो केंद्र शासित प्रदेश है वह हमारी दिल्ली है। भाई, अब राज्य की भाषा क्या है, भाई राज्य की जो भाषा है हमारी वह हिंदी है। आप सभी को बेसिकली पता होगा कि राज्य की भाषा हमारी हिंदी है और दूसरी जो राजभाषा है वह हमारी
उर्दू है, ठीक है गाइस। अब शासन पद्धति क्या है यहाँ की, उत्तर प्रदेश की जो शासन पद्धति है गाइस, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों यहाँ उपस्थित हैं। और गाइस जो हमारा राजकीय पशु है वह हमारा बारहसिंगा है। आप सभी को बेसिकली पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो बारहसिंगा है, और राजकीय पक्षी हमारे उत्तर प्रदेश का जो है वह सारस अथवा क्रोच है। वही याद रखना, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोच है। और गाइज उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह है हमारा अशोक। यूपी में हो तो गाइज इतना तो पता होना चाहिए आपको। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह हो जाएगा हमारा अशोक। और राजकीय पुष्प जो है ये यूपी पुलिस के एग्जाम में आया भी था। जो हमारा राजकीय पुष्प है ये गाइज हमारा पलास है, याद रखना पलास। अब भाई राजकीय नृत्य क्या है हमारे उत्तर प्रदेश का, तो राजकीय नृत्य जो है वह कत्थक है। और राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है भाई हॉकी है, याद रखना गाइज हॉकी। तो अगला टॉपिक यहाँ पर आता है हमारा कि राज्य चिन्ह। भाई उत्तर प्रदेश में राज्य चिन्ह क्या क्या हैं, कब किसको मिले, किस तरीके से क्या है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। भाई राज्य चिन्ह क्या था कि उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह अगस्त 1938 में स्वीकृत हुआ था। भाई 1938 में जो है उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह स्वीकृत हुआ। इस चिन्ह में व्यवहारत प्रतीक निम्नलिखित प्रकार है, भाई कौन कौन से हैं, कि दो मछलियों का जो चिन्ह है वह अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक था। जो दो मछलियों का चिन्ह मिला है वह जो है अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक था। और जो तीर धनुष का जो चिन्ह मिला था वह हिंदू शासक अर्थात श्री राम का प्रतीक था। और भाई जो तीन लाइन, तीन तरंग लाइनें थीं ये गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक थी। ये तीन सिंबल अभी तक यूपी को मिले हैं। तो आज अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है प्रशासनिक इकाइयाँ। भाई कौन कौन सी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, तो भाई हमारा जो उच्च न्यायालय लगता है गाइस, जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय रखता है वह हमारा इलाहाबाद है। भाई उच्च न्यायालय हमारा इलाहाबाद है और इसकी एक खंडपीठ भी है जो कि लखनऊ में स्थित है। तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद और इसकी खंडपीठ लखनऊ में। और गाइज हमारे यूपी में जो संभाग अर्थात मंडल की संख्या है वो 18 है, अर्थात हमारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। और तहसील की संख्या जो है 313 प्लस 7 जो है 2013 में सृजित हुई थी, अर्थात टोटल जो तहसील हैं वो 320 हैं। और नगर निगम की संख्या हमारे उत्तर प्रदेश में 16 है गाइज। और जो नगर परिषद हैं उनकी संख्या 198 है। और जिला पंचायत, जो जिला पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो उन जिला पंचायत की जो संख्या है वह 72 है। और नगर एवं नगर समूह जो है उनकी संख्या 915 है। और नगर पंचायत की संख्या हमारी 438 है। तो गाइज ये छोटी छोटी चीज़ें बेसिकली आपको पता होना चाहिए। अगला है यहाँ पर न्याय पंचायत। तो गाइज न्याय पंचायत की जो संख्या है वह हमारी 8135 है। और सामुदायिक विकास खंड अर्थात क्षेत्र पंचायत जो लगती है हमारी 820 लगती है। और ग्राम सभा अर्थात ग्राम पंचायत की जो संख्या है, मतलब जो गाँवों की जो पंचायत हुआ करती है, उनकी संख्या जो है गाइज 52,000 है, याद रखना 52,000। और जो गाइज हमारे आबाद ग्राम की संख्या है, जो आबाद ग्राम है हमारे, उनकी संख्या 106,704 है गाइज, याद रखना 106,704। और यहाँ का जो विधानमंडल है गाइज वह द्विसदनात्मक है, द्विसदनात्मक विधानमंडल यूपी का है। और भाई विधानसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि 404 है। और विधान परिषद की जो संख्या है गाइज वे 100 है। और लोकसभा सदस्य राज्यसभा में जो हैं वे हमारे 80 हैं। और सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 31 है। तो गाइज ये बेसिकली थोड़ी थोड़ी जानकारी आप सभी को पता होना चाहिए। अब भाई अगला टॉपिक गाइज यहाँ पर हमारा आता है कि राज्य के मंडल एवं जनपद। भाई राज्य में जो अभी मंडल थे उनमें कौन कौन से ज़िले आते हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइज पहला आता है हमारा आगरा मंडल। तो आगरा मंडल में जो है गाइज जनपदों की संख्या हमारी 4 है। भाई 4 जनपद हैं अर्थात 4 ज़िले हैं हमारे आगरा मंडल में। कौन कौन सा, पहला आता है आगरा, दूसरा मथुरा, तीसरा फिरोजाबाद और चौथा आता है हमारा मैनपुरी। अब दूसरा यहाँ पर आता है गाइज हमारा दूसरा मंडल है अलीगढ़। अब अलीगढ़ में भी जो हमारे जनपदों की संख्या है वह भी 4 है। कौन कौन सी है, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कांसीराम नगर, जिसे हम नवसृजित, जो एक नवसृजित जिला है जो अभी बना है, ठीक है गाइज। अब इसी प्रकार अगला आता है हमारा यहाँ पर इलाहाबाद। तो गाइज इलाहाबाद में भी हमारे जो ज़िले की संख्या है वह 4 ही है। भाई इलाहाबाद में भी 4 है। कौन कौन से, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौसाम्बी, ये 4 ज़िला इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब पाँचवा है गाइज यहाँ पर आजमगढ़। तो आजमगढ़ में क्या है, आजमगढ़ में हमारे ज़िले की संख्या 3 है। कौन कौन से हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया, ये जो ज़िला है गाइज वो आजमगढ़ मंडल में स्थित हैं। अब अगला है गाइज यहाँ पर बरेली। तो भाई बरेली में भी हमारी जो
जिले की संख्या है वह चार है। कौन कौन से? बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत, ये चार जिले हमारे बरेली मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब इसी प्रकार अगला है यहाँ पर बस्ती। तो भाई बस्ती में जो है हमारे तीन जिले हैं भाई, तीन जिले कौन कौन से? बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। अगला गाइस यहाँ पर दे रखा है चित्रकूट धाम। अब चित्रकूट धाम में गाइस चार यहाँ पर भी जिले हैं, और कौन कौन से हैं? बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ये चार यहाँ पर जिले हैं। और अगला यहाँ पर है देवी पाटन। तो देवी पाटन में भी हमारे चार जिले हैं, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती। और अगला आता है हमारा यहाँ पर फैजाबाद। तो गाइस फैजाबाद में जो है पाँच जिले हैं भाई, पाँच। कौन कौन से हैं? फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर और लास्ट है छत्रपति साहू जी महाराज नगर। भाई फैजाबाद में पाँच जिले हैं गाइस, याद रखना। और फोर्थ और अगला है यहाँ पर गाइस की गोरखपुर। अब गोरखपुर में जो है हमारा चार जिले हैं, गोरखपुर में गाइस चार जिले बसते हैं। कौन कौन से? गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, ये जो है हमारे गोरखपुर जिले के अंतर्गत आते हैं, ठीक है गाइस। तो अगला यहाँ पर आता है झांसी। भाई बहुत अच्छी जगह है झांसी। तो झांसी में जो है गाइस हमारे तीन जिले हैं, झांसी, ललितपुर और जालौन, ये हमारे तीन जिले बसे हैं। अब आता है हमारा कानपुर। तो गाइस कानपुर में जो जिलों की संख्या है वह हमारी छः है। तो गाइस कानपुर मंडल में जिलों की संख्या छः है। कौन कौन से? कानपुर नगर, कानपुर देहात, अकबरपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और ये छः जिला जो हैं हमारे कानपुर मंडल में स्थित हैं। और इसी प्रकार लखनऊ में भी हमारे छः जिले बसे हैं। कौन कौन से हैं? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, ये सारे के सारे जिला जो हैं गाइस हमारे लखनऊ में ही बसे हैं। अगला है यहाँ पर गाइस मेरठ। तो गाइस मेरठ में भी जो जिलों की संख्या है वह हमारी छः है। भाई कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और बागपत, हापुड़, ये सारे के सारे मेरठ मंडल में बसे हैं। अगला है गाइस यहाँ पर मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर में जो है हमारे तीन जिले हैं। कौन कौन से? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर। तो गाइस याद रखना, ये बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगला है गाइस यहाँ पर मुरादाबाद। भाई मुरादाबाद मंडल में कौन कौन से जिले हैं? मुरादाबाद में आता है रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, ज्योतिबा फूले नगर और संभल, ये भाई यहाँ पर पांच जिले हैं। अब अगला है यहाँ पर सहारनपुर। तो सहारनपुर में गाइस तीन जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, ये तीन जिले हैं। और वाराणसी, कई वाराणसी में भी हमारे चार जिले हैं। कौन कौन से? वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। तो गाइस इसमें आपको जो मोस्टली याद रखना है वह आपको होना चाहिए कानपुर, लखनऊ और मेरठ, जो सर्वाधिक जिले वाले मंडल हैं। तो गाइस कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं। तो गाइस आप पहचान करनी होती है कि इनमें से जो जिलों की संख्या है सर्वाधिक किस में है और सबसे कम किस में है। तो गाइस इन तीन को बेसिकली याद रखना, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इस प्रकार से यहाँ पर छः छः जिले हैं। अब गाइस अगला टॉपिक यहाँ पर आता है हमारा कि राज्य में प्रथम। भाई राज्य में कौन कौन हमारा प्रथम है? गाइस ये भी आपको बेसिकली छोटी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है गाइस हमारा कि प्रथम महिला राज्यपाल। भाई हमारे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो गाइस आप सभी को बेसिकली पता होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। सेकंड टॉपिक है गाइस यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो गाइस प्रथम मुख्यमंत्री। तो गाइस उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। तो गाइस याद रखना, प्रथम में से कुछ ना कुछ तो आना ही आना होता है। तो गाइस इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है आपको। और थर्ड यहाँ पर दे रखा है प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मतलब उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो गाइस वह बनी थी हमारी सुचेता कृपलानी। तो गाइस याद रखना। और थर्ड यहाँ पर है भाई प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? भाई राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी बने थे। तो गाइस याद रखना। और प्रथम विधान परिषद सभापति जो बने थे वह हमारे चंद्रवाल जी बने थे, ठीक है गाइस। और प्रथम लोकायुक्त जो थे हमारे गाइस वह थे बिसंबर दयाल जी थे, भाई बिसंबर दयाल। और अगले जो हमारे यहाँ पर प्रथम सूचना आयुक्त थे, अर्थात प्रथम सूचना आयुक्त जो थे हमारे वह थे मोहम्मद असगर खान। भाई मोहम्मद असगर खान जो थे हमारे प्रथम सूचना आयुक्त थे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे गाइस हमारे? तो गाइस जो हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वह न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा जी थे। गाइस यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर छोड़ दी है, वह क्या है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भाई आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश में पहली बार अनुसूचित जाति से जो हमारी मुख्यमंत्री बनी थी सुश्री मायावती जी। भाई याद रखना, सुश्री मायावती जो थी वो SC कैटेगरी से पहली बार उत्तर की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है गाइस। अगला टॉपिक है यहाँ पर कि राज्य में वन एवं वन्य जीव। भाई हमारे राज्य में वन और वन्य जीव का बहुत अधिक विस्तार हुआ है। किस तरीके से है? भाई राज्य में वन की स्थिति जो है वो इस प्रकार है कि अभिलिखित वन क्षेत्र 16582 वर्ग किलोमीटर राज्य के
मतलब राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.88% है, और वनावरण जो है वही 14,461 वर्ग किलोमीटर तथा राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6% है गाइज, याद रखना। और जो वृक्षावरण है गाइज वो 7,044 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.92% है, ठीक है गाइज। और राज्य का सर्वाधिक बड़ा वन संरक्षित क्षेत्र जो है वो खीरी में है भाई, जो राज्य का सर्वाधिक बड़ा वन संरक्षित क्षेत्र खीरी में 15.776 हेक्टेयर है भाई, तथा न्यूनतम जो है संरक्षित क्षेत्र है भाई हमारा मुरादाबाद है, 64 हेक्टेयर में है भाई, याद रखना ये बेसिकली। और लास्ट है यहाँ पर भाई, जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला ज़िला, मतलब उत्तर प्रदेश के ऐसे ज़िले में जहाँ पर सबसे अधिक वन है, वह हमारा सोनभद्र है, और जिसकी जो हमारी औसतन दूरी है भाई, जिसकी हमारा जिसका भाई औसतन एरिया है वह है 2.469 वर्ग किलोमीटर भाई, तो यह याद रखना। और गाइज उत्तर प्रदेश में हमारे वन्य जीव संरक्षण जो किस प्रकार है भाई, राष्ट्रीय उद्यान हमारा एक ही है, कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भाई, राष्ट्रीय उद्यान एक है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और प्राणी उद्यान हमारे दो हैं, कौन कौन से, कानपुर और लखनऊ में बसे हैं, प्राणी उद्यान दो हैं कानपुर एवं लखनऊ में, और टाइगर रिजर्व की संख्या एक है हमारे उत्तर प्रदेश में जो कि पीलीभीत में है, ठीक है गाइज। और राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला ज़िला, मतलब जो परसेंटेज में सबसे अधिक राज्य में जो ज़िला है वह हमारा सोनभद्र है, 36.37% है। और राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जो ज़िला है वही वह संत रविदास नगर है गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है संत रविदास नगर, बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला ज़िला संत रविदास नगर, जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर है, और राज्य में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला ज़िला भी संत रविदास नगर है, जिसका एरिया 0.10% है, ठीक है गाइस। अगला टॉपिक गाइस हमारा यहाँ पर पक्षी विहार, कौन कौन से पक्षी विहार हैं, तो इस पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 13 पक्षी विहारियों की स्थापना की गई है भाई, अब तक उत्तर प्रदेश में हमारे 13 पक्षी विहारों की स्थापना की जा चुकी है, कौन कौन से हैं भाई राज्य के हमारे पक्षी विहार, तो भाई पहला है हमारा नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि उन्नाव जिला में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल जो है 2 वर्ग किलोमीटर है, तो गाइस उन्नाव जिला में नवाबगंज पक्षी विहार है, और जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1984 में की गई थी। और गाइस अगला है यहाँ पर समसपुर पक्षी विहार, तो गाइस जो समसपुर पक्षी विहार है यह हमारा ड्राई बरेली में स्थित है, और इसका जो क्षेत्रफल है वह 8 वर्ग किलोमीटर है, और जो इसकी स्थापना की गई थी 1987 में की गई थी। और थर्ड है हमारा यहाँ पर लाख बहोसी पक्षी विहार, तो गाइस लाख बहोसी पक्षी विहार जो है हमारा फरुखाबाद में स्थित है, जिसका जो क्षेत्रफल है 80 वर्ग किलोमीटर है, और 1988 में इसकी रचना की गई थी। तो अगला है गाइस यहाँ पर सांडी पक्षी विहार, तो गाइस जो सांडी पक्षी विहार है यह हरदोई जिला में स्थित है, 3 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है यहाँ पर गाइस बखीरा पक्षी विहार, तो गाइस जो बखीरा पक्षी विहार है यह संत कबीर नगर में है, और जिसका क्षेत्रफल 29 वर्ग किलोमीटर है, और जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। अगला है यहाँ पर ओखला पक्षी विहार, तो गाइस ओखला पक्षी विहार जो है हमारा गौतम बुद्ध नगर में है, जिसका क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। भाई समान पक्षी विहार ये हमारे मैनपुरी में है, और इसका जो क्षेत्रफल है वह 5 वर्ग किलोमीटर है, और यह भी 1990 में बनाया गया था। भाई अगला है गाइस यहाँ पर पार्वती अर्घा पक्षी विहार, ये जो हमारा गोंडा जिले में स्थित है, 11 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है, और 1990 में भी इसकी स्थापना की गई थी। भाई अगला है यहाँ पर विजय सागर पक्षी विहार, तो गाइस जो विजय सागर पक्षी विहार है यह हमारे महुआ और हमीरपुर में स्थित है, इसका 3 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और 1990 में ही इसकी स्थापना की गई थी। अगला है भाई यहाँ पर पटना पक्षी विहार, तो गाइस पटना पक्षी विहार जो है हमारा एटा में स्थित है, और ये 0.1 किलोमीटर इसका एरिया है, और 1990 में ही इसकी स्थापना की गई थी। अगला है गाइस यहाँ पर सुराताल पक्षी विहार, तो गाइस जो सुराताल पक्षी विहार है यह बलिया जिले में स्थित है, और 34 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है, सर्वाधिक जो विस्तार है गाइस वो इसी का है, सुराताल पक्षी विहार, तो जो सर्वाधिक एरिया है वो इसी का है, 34 वर्ग किलोमीटर, और 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा है गाइस यहाँ पर सूर सरोवर पक्षी विहार, जो कि आगरा जिले में स्थित है, और 4 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, और 1991 में इसकी रचना की गई थी। अगला है गाइस यहाँ पर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, अर्थात बेती ताल पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, इस ये जो स्थित है गाइस प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, और इसका जो एरिया है 4.27 वर्ग किलोमीटर है, और जो ये इसकी स्थापना हुई थी ये 2003 में की गई थी। तो गाइस ये जो थे वो हमारे विभिन्न पक्षी विहार थे। अब आते हैं अगले टॉपिक पर,
तो अगला टॉपिक गाइज यहाँ पर दे रखा है राज्य के वन्य जीव विहार। भाई राज्य के वन्य जीव विहार में क्या क्या आता है? पहला है गाइज यहाँ पर चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। तो गाइज ये जो वन्य जीव विहार है ये हमारे चंदौली जिला में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है 78 वर्ग किलोमीटर है भाई, और स्थापना जो की गई थी 1957 ईसा में की गई थी। सेकेंड है यहाँ पर किशनपुर वन्य जीव विहार। तो गाइज जो किशनपुर वन्य जीव विहार है ये जो बसा है गाइज लखीमपुर खीरी में बसा है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 227 वर्ग किलोमीटर है और 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है यहाँ पर कतरनिया घाट वन्य जीव विहार जो कि बहराइच जिले में स्थित है और जिसकी स्थापना की गई थी वह 1976 में की गई थी और जिसका क्षेत्रफल है 410 वर्ग किलोमीटर है। अगला है गाइज यहाँ पर रानीपुर वन्य जीव विहार, यह बांदा जिले में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है 230 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो स्थापना की गई थी 1977 ईस्वी में की गई थी। अगला है गाइज यहाँ पर महावीर स्वामी वन्य जीव विहार अर्थात ललितपुर जिला में यह स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है 0.5 किलोमीटर है। सबसे कम जो क्षेत्रफल है गाइज वो इसी का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर जिला में, और 1977 ईसा को इसकी स्थापना की गई थी। अगला है गाइज यहाँ पर राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार। तो गाइज जो राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार है ये हमारे आगरा और इटावा में बसा है जिसका जो क्षेत्रफल है वो 635 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। अगला है गाइज यहाँ पर कैमूर वन्य जीव विहार। तो गाइज जो कैमूर वन्य जीव विहार है ये हमारे मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 501 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में की गई थी। अगला है गाइज यहाँ पर हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। तो गाइज हस्तिनापुर वन्य जीव विहार हमारे मेरठ और मुरादाबाद मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद इन जिलों में बसा है और इसका जो क्षेत्रफल है 2073 किलोमीटर है भाई, सबसे अधिक जो है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल है। तो गाइज याद रखना बेसिकली इसे, और इसकी जो स्थापना की गई थी 1986 में की गई थी। अगला है गाइज यहाँ पर सोहागी बरवा वन्य जीव विहार। तो गाइज जो सोहागी बरवा वन्य जीव विहार है ये हमारे महाराजगंज में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 428 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। और अगला है यहाँ पर गाइज सुहेलवा वन्य जीव विहार। तो गाइज जो सुहेलवा वन्य जीव विहार है ये हमारे बहराइच और गोंडा में स्थित है जिसका जो क्षेत्रफल है 452 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। अगला है गाइज यहाँ पर कछुआ वन्य जीव विहार, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आता जरूर है। कछुआ वन्य जीव विहार हमारे हमारे वाराणसी जिले में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है 7 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो स्थापना की गई थी 1989 में की गई थी। तो गाइज वन्य जीव विहार हमारे समाप्त हो गए हैं। तो ये थे गाइज हमारे इम्पोर्टेंट वन्य जीव विहार। अब आता है गाइज हमारा विद्युत उत्पादन, भाई कहाँ कहाँ विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो भाई जल विद्युत केंद्र जो हैं गाइज हमारे बने हुए हैं मोहम्मदपुर, खतिया, पथरी, रिहंद, माता टीला, ओवरा, छिबड़ू, कुलहल, रामगंगा, छिल्ला, खुदाड़ी और मनेरी भाली। भाई यहाँ पर जो है हमारे जल विद्युत केंद्र बने हुए हैं जहाँ पर जल से विद्युत बनाई जाती है। ये हमारे कुछ यहाँ पर जिला और स्थान दे रखे हैं जहाँ जल से बिजली बनाई जाती है, ठीक है गाइज। अब अगला है यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र, भाई ताप से जहाँ पर बिजली उत्पन्न की जाती है कौन कौन सा है? भाई हरदुआगंज, पनकी, ओवरा, पारीक्षा, अनपरा, टंडा और ऊंचाहार। भाई यहाँ पर जो है ताप से विद्युत उत्पन्न की जाती है गाइज, कहीं कहीं पर नहीं बल्कि बहुत जगह पर ये इनसे जो है क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। भाई ताप विद्युत केंद्र इनमें से दे दिया जाएगा और उनमें पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा है जो जल विद्युत केंद्र है, भाई इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो गाइस अगला है यहाँ पर परमाणु विद्युत योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आता ही आता है। उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही हमारी परमाणु विद्युत योजना है जो कि नरोरा के बुलंदशहर में स्थित है, भाई पता होना चाहिए परमाणु विद्युत योजना नरोरा के बुलंदशहर में स्थित है गाइस, इसे छोड़ के मत जाना। तो गाइस अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख विद्युत परियोजनाएं केंद्र, भाई कौन कौन सी विद्युत परियोजनाएं कहाँ कहाँ पर चलाई जा रही हैं इसी के बारे में हम अब यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। भाई कौन कौन सी है परियोजना केंद्र, इधर आपका स्थान दे रखा है कि वहाँ पर ये अव्यवस्थित है। तो गाइस जो पहली है हमारी वह है शारदा जल विद्युत परियोजना। तो गाइस शारदा जल विद्युत परियोजना जो है आप सभी अगर कभी घूमने गए होंगे पूर्णागिरी साइड में तो ये शारदा जल विद्युत परियोजना उधर ही पड़ती है पीलीभीत साइड में, शारदा नहर पर जो कि बनी है पनबसा नामक पीलीभीत शहर में। भाई अगली है यहाँ पर रिहंद जल परियोजना। तो गाइस जो रिहंद जल विद्युत परियोजना है यह रिहंद नदी पर ही बसी है जो पीपरी नामक स्थान पर सोनभद्र जिले में
बस ये अगला है गाइस यहाँ पर ओबरा जल विद्युत परियोजना। तो ये ओबरा जल विद्युत परियोजना जो है ये रिहंद नदी पर बसी है, ये ओबरा नामक स्थान पर सोनभद्र में बना है, ठीक है गाइस। अगला है गाइस यहाँ पर माता टीला जल विद्युत केंद्र। भाई माता टीला जल विद्युत केंद्र जो है हमारा बेतवा नदी पर बना है और ये माता टीला नामक स्थान के झांसी शहर में बसा है। भाई झांसी शहर में है माता टीला जल विद्युत केंद्र, ठीक है गाइस। और अगला है यहाँ पर शीतला जल विद्युत योजना। भाई शीतला जल विद्युत परियोजना जो है गाइस हमारी झांसी में बसी है। और इसके बाद आता है परीक्षा जल विद्युत केंद्र। तो गाइस परीक्षा जो जल विद्युत केंद्र है यह बेतवा नदी पर बना है और परीक्षा नामक स्थान के झांसी शहर में बसा है, यह अभी भाई झांसी में ही है। अगला है भाई राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। इम्पोर्टेंट है गाइस राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त योजना है, इन दोनों की पार्टनरशिप से इसका निर्माण किया गया है और जो कि बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है गाइस। अगला है यहाँ पर गंडक परियोजना। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है और ये बूढ़ी गंडक नदी पर बनी है और गंगा विद्युत क्रम जो है हमारी ऊपरी गंगा नहर अर्थात गंगा नदी पर बसी है। लास्ट है यहाँ पर सिंगरौली सुपर ताप परियोजना। भाई सिंगरौली सुपर ताप परियोजना हमारी सिंगरौली सोनभद्र में स्थित है और कुछ अलग इंपॉर्टेंट यहाँ पर दे रखे हैं कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र। गाइस ओबरा ताप विद्युत केंद्र है ये हमारा ओबरा में स्थित है जो कि सोनभद्र जिला में बना हुआ है। अगला है यहाँ पर अनपरा ताप विद्युत केंद्र। भाई अनपरा ताप विद्युत केंद्र जो है हमारा भाई हमारा अनपरा नामक स्थान पर सोनभद्र जिले में ही बसा है। अनपराडी जापान के साथ सहयोग से ये बनाया गया है। अगला है यहाँ पर ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र। तो भाई जो ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र है ये ऊंचाहार अर्थात रायबरेली शहर में बनाया गया है। अगला है यहाँ पर हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र। तो भाई जो हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र है ये हमारे हरदुआगंज में ही बना है अलीगढ़ शहर में। भाई अलीगढ़ शहर में हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र हरदुआगंज में ही बना है। अगला है टांडा ताप विद्युत परियोजना। तो भाई जो टांडा ताप विद्युत परियोजना है ये टांडा नामक स्थान पर अम्बेडकर नगर में बनाया गया है। अगला है गाइस यहाँ पर रोजा ताप विद्युत परियोजना। तो भाई जो रोजा ताप विद्युत परियोजना है ये हमारे शाहजहांपुर में बनी है। भाई शाहजहांपुर में रोजा ताप विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। अगला है गाइस यहाँ पर मेजा ताप परियोजना। तो गाइस जो मेजा ताप परियोजना है ये हमारी मेजा में स्थित है जो कि इलाहाबाद शहर में बसा है। अगला है गाइस यहाँ पर पनकी ताप विद्युत परियोजना। तो गाइस पनकी ताप विद्युत केंद्र जो है पनकी कानपुर शहर में स्थित है। अगला है गाइस यहाँ पर नरोरा परमाणु शक्ति विद्युत केंद्र। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, नरोरा से आता जरूर है। तो नरोरा परमाणु विद्युत शक्ति केंद्र जो है नरोरा में स्थित है, ये बुलंदशहर शहर में बसा है। भाई अगला है यहाँ पर चंदोसी ताप विद्युत केंद्र। भाई मुरादाबाद में बसा है। लास्ट है गाइस यहाँ पर बारा एवं करछना विद्युत गृह जो कि हमारा इलाहाबाद में बसा है। तो ठीक है गाइस, तो गाइस अगला टॉपिक है हमारा उद्योग। भाई उद्योग कहाँ कहाँ पर कौन सा किया जाता है यही यहाँ पर बताना है। भाई चीनी उद्योग जो किया जाता है देवरिया गोरखपुर सहारनपुर बरेली मेरठ और शाहजहांपुर में। भाई चीनी उद्योग का काम बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगला है यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग है भाई हाथरस लखनऊ मोदीनगर इटावा अलीगढ़ व नैनी इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगला है गाइस यहाँ पर रेशमी वस्त्र उद्योग। तो रेशमी वस्त्र उद्योग जो है हमारा वाराणसी व इटावा में किया जाता है। ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर लाल इमली मिर्ज़ापुर भदोही व गोपीगंज वाराणसी शाहजहांपुर इलाहाबाद आगरा व खमरिया इन शहर में किया जाता है। अगला गाइस जूट उद्योग। जूट उद्योग हमारा मैं फेमस है भाई कानपुर व सहजनवा का गोरखपुर के लिए, ये दो जगह का फेमस है कानपुर व सहजनवा जिसे हम गोरखपुर भी कहते हैं। भाई कांच उद्योग है नैनी इलाहाबाद बहजोई मुरादाबाद और सासनी अलीगढ़ और सिकोहाबाद फिरोजाबाद बालावाली बिजनौर फिरोजाबाद गाजियाबाद और रामनगर वाराणसी व हिरनगांव फिरोजाबाद। और चूड़ी के उत्पादन में फिरोजाबाद का देश में अग्रणीय स्थान है। भाई चूड़ी का जो स्थान है चूड़ी के उत्पादन में जो फिरोजाबाद का स्थान है वह अग्रणीय है। और यहाँ पर कुछ दे रखे हैं चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग के लिए भाई कानपुर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो भाई चमड़ा उद्योग कानपुर आगरा व सहारनपुर जूता निर्माण में आगरा अग्रणीय है, ठीक है गाइस। और दिया सलाई उद्योग भाई बहुत ज़्यादा आता है। दिया सलाई उद्योग में भाई हमारा बरेली शहर सबसे आगे है। तो भाई दिया सलाई उद्योग का जो किया जाता है बरेली इलाहाबाद व लखनऊ में किया जाता है। और साइकिल उद्योग हमारा आगरा वाराणसी लखनऊ इलाहाबाद तथा कानपुर में किया जाता है। और वनस्पति घी उद्योग जो किया जाता है हमारा वह कानपुर मोदीनगर गाजियाबाद व अलीगढ़ में किया जाता है। और गाइस कागज़ उद्योग जो है हमारा सहारनपुर व लखनऊपुर में किया जाता है। और एलुमिनियम उद्योग जो है हमारा रेणुकूट मिर्ज़ापुर में किया जाता है। और जो सीमेंट उद्योग है गाइस हमारा चुरकडल्ला व खजराहट में किया जाता है। और इंजीनियरिंग उद्योग गाइस कानपुर गाजियाबाद मेरठ इलाहाबाद आगरा अलीगढ़ तथा बरेली में किया जाता है। और सिगरेट उद्योग हमारा गाइस सहारनपुर में सबसे ज़्यादा किया जाता है, वर्ल्ड फेमस है भाई सिगरेट उद्योग सहारनपुर। अगला आता है गाइस यहाँ पर
कि उत्तर प्रदेश के हमारे प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग भाई कौन कौन से कहाँ पर स्पेशली तरीके से किए जाते हैं। भाई कालीन एवं दरियों का जो काम किया जाता है वह मिर्ज़ापुर, भदोही, आगरा, मथुरा, बरेली और अलीगढ़ में किया जाता है। कंबल का जो काम किया जाता है गाइस मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद, लावड़, मेरठ में किया जाता है। भाई रेशमी साड़ियाँ, भाई रेशम की जो साड़ी बनारस की बहुत ज़्यादा फेमस होती है, तो याद रखना बनारस जो है रेशमी साड़ियों में अग्रणीय है। हथकरघा जो सूती वस्त्र उद्योग है भाई मेरठ, सिकंदराबाद, धामपुर, देवबंद, बाराबंकी, इटावा, जेपी नगर, पिलखुआ और मैगहर, मऊ और मुबारकपुर, भाई यहाँ पर हथकरघा सूती वस्त्र उद्योग किया जाता है। और हथकरघा रेशमी वस्त्र जो है वाराणसी, बिलासपुर, मऊ, संडीला यहाँ पर किया जाता है। और चिकन के काम में भाई लखनऊ सबसे पहले नंबर पर है। जरीबा चिकन पर गोटे का काम भाई लखनऊ एवं वाराणसी अपनी जगह बनाए हुए हैं। और पीतल की मूर्तियाँ में भाई मथुरा एवं मुरादाबाद टॉप रैंक पर हैं। पीतल के बर्तन में भाई मुरादाबाद हमारा पहले नंबर पर आता है। वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, शामली, अतरौली, हाड़पुर और बड़ौत, मुरादाबाद एवं मिर्ज़ापुर यहाँ पर ये जो है बहुत सारे पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। और बर्तनों पर कलाई भाई सिर्फ दो जगह पर की जाती है, मुरादाबाद एवं मिर्ज़ापुर, यहाँ पर ये वर्ल्ड फेमस हैं। और चाकू का एवं कैंची का जो शहर है गाइस अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, हाथरस तथा रामपुर। रामपुर तो गाइस वर्ल्ड में फेमस है, रामपुर के नाम से ही पता चल जाता है चाकू शहर। भाई अगला है यहाँ पर लोहे के बांट, तो लोहे के बांट जो है गाइस सहारनपुर एवं आगरा में किए जाते हैं। ताला उद्योग का प्रमुख केंद्र अलीगढ़ है, भाई अलीगढ़ को हम ताला नगरी कहते हैं। अब चाकू उद्योग का प्रमुख केंद्र भाई रामपुर है, पहले ही बताया था मैंने। अगला है कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र, तो गाइस कैंची उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है भाई हमारा मेरठ है। कत्था उद्योग का भाई बरेली है। लकड़ी के खिलौने लखनऊ व वाराणसी में बनाए जाते हैं। लकड़ी के फर्नीचर बरेली, हाथरस, आगरा, वाराणसी, सहारनपुर में बनाए जाते हैं। लकड़ी पर नक्काशी का काम सहारनपुर और नगीना में किया जाता है। खेल का सामान मेरठ और आगरा में बनाया जाता है मोस्टली तरीके से। बेत एवं झड़ियाँ जो है हमारी बरेली में बनाई जाती हैं। चूड़ी उद्योग भाई फिरोजाबाद की, फिरोजी कहते हैं फिरोजी कलर की चूड़ी निकालो भाई, फिरोजाबाद बहुत ज़्यादा फेमस है। चूड़ी की तरफ से मिट्टी के खिलौने जो होते हैं गाइस आगरा के बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन के इत्र जो होते हैं खुर्जा, गाजियाबाद, लखनऊ, कन्नौज, गाजीपुर, लखनऊ, जौनपुर, रैली, ये जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। हारमोनियम, तबला, बांसुरी आदि वाद्य यंत्र जो है भाई मेरठ, कानपुर और लखनऊ में बनाए जाते हैं। हाथ से कागज बनाना मथुरा, कालपी एवं कागजीसराय इस जगह पर काम किया जाता है। अगला है गाइस यहाँ पर कि प्रदेश के खनिज एवं प्रमुख खनन क्षेत्र, भाई प्रदेश के कौन कौन से खनिज हैं और कहां पर इनका खनन किया जाता है। तो गाइस पहला है हमारा यहां पर कि चूना पत्थर, तो गाइस चूना पत्थर में जो हमारा प्रमुख खनन क्षेत्र है वह मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र है। सेकंड है डोलोमाइट, डोलोमाइट से गाइस बांदा, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र, मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र में उच्च स्तर का डोलोमाइट उपलब्ध है। भाई डोलोमाइट के लिए बांदा और मिर्ज़ापुर वर्ल्ड फेमस हैं, ठीक है गाइस। तांबा के लिए सोनराय, ललितपुर जिला फेमस है। जिप्सम के लिए झांसी एवं हमीरपुर फेमस है। और चाइना क्ले के लिए सोनभद्र, संगमरमर के लिए मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए मिर्ज़ापुर जिले का बांसी मकरी खो क्षेत्र, और यूरेनियम के लिए हमारा ललितपुर। यूरेनियम पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही जगह निकाला जाता है ललितपुर में। बेराइट्स के लिए मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र फेमस है। तो गाइस जो हीरे का उत्पादन किया जाता है बांदा अल्प मात्रा में किया जाता है। मुर्जा और मिर्ज़ापुर का जंगली क्षेत्र अल्प मात्रा में, शारदा एवं रामगंगा नदी के रेत में भी इसका थोड़ा बहुत उत्पादन किया जाता है। अगला है गाइस यहाँ पर कोयला, तो जो कोयला है सोनभद्र का निचला गोंडवाना क्षेत्र में है, सिंगरौली, मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर में ये उत्पादन किया जाता है। अगला है एस्बेस्टोस, तो गाइस एस्बेस्टोस का जो निर्माण किया जाता है मिर्ज़ापुर में मोस्टली किया जाता है। और रॉक फॉस्फेट के लिए बांदा हमारा फेमस है। कांच बालू के लिए वाराणसी का चकिया क्षेत्र, झांसी का मुड़ारी एवं बाला बेहट, इलाहाबाद तथा बांदा जिले का शंकरगढ़ और लोहगढ़, बारगढ़ और धानद्रोल क्षेत्र। और गाइस एंडालुसाइट के लिए मिर्ज़ापुर, पायराइट्स के लिए मिर्ज़ापुर और सेल खड़ी के लिए हमीरपुर एवं झांसी। तो गाइस ये प्रदेश के प्रमुख खनिज एवं प्रमुख खनन स्थान और उनके क्षेत्र हो गए। अगला टॉपिक गाइस हमारा यहाँ पर है परिवहन व्यवस्था, मतलब परिवहन के लिए हमारी यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या व्यवस्था की है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। भाई सड़कों की कुल लंबाई हमारी यहाँ पर दे रखी है 1,74,251.30 किलोमीटर। भाई जो सड़कों की कुल लंबाई हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जो जाल बिछाया हुआ है वह 1,74,251.30 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या है भाई हमारे उत्तर प्रदेश में 6,684 किलोमीटर है। और प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई 7,957 किलोमीटर है। प्रमुख जिला मार्ग जो मतलब प्रमुख जिला में चलते हैं भाई उनकी जो संख्या है वह 7,307 किलोमीटर है, मतलब उनकी जो लंबाई है 7,307 किलोमीटर है। और राज्य में कुल रेल मार्ग जो है हमारे 8,926 किलोमीटर हैं। और रेलवे जोन जो है गाइस हमारा पूर्व उत्तर रेलवे जोन गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे जोन इलाहाबाद में स्थित है। और निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बने हैं, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में बसा है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में बसा है। तो ठीक है गाइज ये हमारे थोड़ी सी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो गई है। अगला है राज्य के प्रमुख हवाई अड्डे, भाई राज्य के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से कहाँ पर बसे हैं,
ये इसमें दिखाया गया है भाई। अमौसी जो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है ये हमारा लखनऊ में बसाया गया है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में। बाबतपुर हवाई अड्डा अर्थात लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बहुत ज़्यादा फेमस है गाइस, वाराणसी में बनाया गया है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में बना है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में बनाया गया है। और फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में। और ससावा हवाई अड्डा हमारा सहारनपुर में बनाया गया है। चकेरी हवाई अड्डा का जो निर्माण किया गया है कानपुर में किया गया है। और गोरखपुर हवाई अड्डे का निर्माण गोरखपुर में किया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा का निर्माण मेरठ में किया गया है। इनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठपुर मेरठ में है, और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा हमारा वाराणसी में है। और भी बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, आप इजीली पढ़ सकते हैं। अगला है गाइस यहाँ पर प्रमुख इमारतें उत्तर प्रदेश की, कौन कौन सी प्रमुख इमारतें हैं भाई। अटाला मस्जिद गाइस हमारी बहुत ज़्यादा फेमस है जिसका निर्माण हमारा इब्राहिम सरकी ने कराया था। अयोध्या की मस्जिद व संबल की मस्जिद जिसमें बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है अयोध्या की मस्जिद के ऊपर, तो वो किसने बनाई थी भाई, बाबर की थी बनी हुई थी, तो भाई उसका जो निर्माण कराया था बाबर ने कराया था। अयोध्या व संबल की मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। और गाइस इमामबाड़ा लखनऊ का आसफुद्दौला ने बनवाया था। और ताजमहल का निर्माण गाइस शाहजहाँ ने कराया था। और आगरा की मोती मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनवाई है। ये कुछ इमारतें हैं जो यूपी की वर्ल्ड फेमस है। अगला है गाइस हमारा यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो गाइस यहाँ पर हमारा दे रखा है जोगनी नृत्य। तो गाइस जो जोगनी नृत्य है इसमें क्या होता है, विशेषकर रामनवमी के अवसर पर पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके नृत्य करते हैं, जोगनी नृत्य भाई। दूसरा है धीमर नृत्य, तो धीमर नृत्य जो क्या होता है गाइस, ये कहार जाति द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाता है। अगला है गाइस यहाँ पर सेरा नृत्य, तो सेरा नृत्य क्या है, बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के समय, जब भाई बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान जब फसल काटते हैं तो उस टाइम पर ये सेरा नृत्य किया जाता है। अगला है गाइस यहाँ पर पासी नृत्य, तो गाइस पासी नृत्य है ये पासी जाति द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है। अगला है यहाँ पर गाइस घुरिया नृत्य, तो गाइस बुंदेलखंड के कुमार अर्थात प्रजापति लोगों द्वारा स्त्री वेश धारण करके ये घुरिया नृत्य किया जाता है। अगला है गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वर्ल्ड फेमस चरकुला नृत्य भाई, ब्रजवासियों द्वारा किए जाने वाला घड़ा नृत्य जिसमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई खड़े रखे जाते हैं, चरकुला नृत्य ब्रजवासियों से संबंधित है। अगला है गाइस यहाँ पर छोलिया नृत्य, तो है छोलिया नृत्य हमारे राजपूतों द्वारा विवाह उत्सव पर किया जाता है। और छपेली नृत्य एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किए जाने वाला नृत्य है। और नटवरी नृत्य हमारा पूर्वांचल क्षेत्र में अहीरों द्वारा किया जाता है। और देवी नृत्य हमारा मुक्ता बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। और पाई डंडा नृत्य जो है हमारा बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा गुजरात के डांडिया नृत्य के समान किया जाता है। राई नृत्य हमारा बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा विशेषकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मयूर की भांति किया जाता है, इस कारण इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं। अगला है गाइस यहाँ पर दीप नृत्य, तो दीप नृत्य जो होता है बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा परात सिर पर रखकर किया जाता है। धोबिया नृत्य है गाइस ये पूर्वांचल का एक प्रसिद्ध नृत्य है, इसे मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और जो हमारा मयूर नृत्य है यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है तथा नर्तक मोर पंख के वस्त्र धारण करते हैं। कार्तिक नृत्य हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाता है। अगला है गाइस यहाँ पर कलाबाजी नृत्य, तो ये हमारा कलाबाजी नृत्य जो है अवध क्षेत्र में लोग मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। अगला है गाइस यहाँ पर ख्याल नृत्य, तो ख्याल नृत्य जो है गाइस पुत्र रत्न के जन्मोत्सव पर किया जाता है। और झूला नृत्य गाइस इंपॉर्टेंट है, झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में श्रावण मास में किया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के विभिन्न लोक नृत्य हो जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है जनगणना भाई, उत्तर प्रदेश की जनगणना थोड़ी सी जान लेते हैं क्या है। ये हमारे राज्य की 2011 की जनगणना है, मैं थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आ जाता है मोस्टली इससे का दो क्वेश्चंस। तो क्या है, राज्य की कुल जनसंख्या जो है गाइस हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार, ये जो आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो गाइस राज्य की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है भाई। जो हमारी राज्य की कुल जनसंख्या है 19,98,12,341 है भाई 2011 की जनगणना के अनुसार। और राज्य में देश की कुल जनसंख्या का राज्य का पूरे देश मतलब भारत में जो परसेंटेज है जनसंख्या का वो पूरा 16.5% है भाई, पूरे भारत देश का 16.5% जो है हमारे उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। और राज्य में कुल पुरुष की जो जनसंख्या है वह हमारी 10,44,80,510। और राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का जो परसेंटेज है भाई, जो राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का जो परसेंट है जब 52.28% है। ठीक है गाइस, और अगला है राज्य में कुल महिला जनसंख्या, तो भाई जो महिलाओं की जनसंख्या है वह है 9,53,31,831। और इसकी यदि परसेंटेज में बात कर लें तो ये 47.72% होती है। और राज्य में हमारी 0-6 से आयु वर्ग की जो कुल जनसंख्या है भाई हमारी 3,07,91,391
31 किलोमीटर, जिसमें बालक की संख्या है 1,61,85,581 तथा जिसमें बालिकाएं हैं 1,46,05,250। और राज्य में हमारे 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की जो कुल परसेंटेज है वह हमारी 15.41% है। भाई राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में, भाई सबसे पहले जो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आता है इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद में मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद और गाजियाबाद के बाद में आता है हमारा आजमगढ़। तो ये सर्वाधिक 4 जिले हैं जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। इसके बाद में राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले घटते हुए क्रम में हैं। भाई सबसे पहले हमारा जो आता है इसकी जो सबसे कम है वह महोबा, महोबा से अधिक है चित्रकूट, अब चित्रकूट से अधिक है हमीरपुर, हमीरपुर से अधिक है श्रावस्ती। ये 4 जिले हैं जिनकी जनसंख्या सबसे कम है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला है भाई यहाँ पर जनघनत्व। तो गाइस जो राज्य का जनघनत्व है वह 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जो जनघनत्व के अनुसार राज्य का देश के सभी राज्यों में स्थान है भाई वह 4th स्थान है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व में देश की सभी सूची में 4th स्थान है। ठीक है गाइस, अगला टॉपिक है गाइस यहाँ पर एक नज़र में जनसंख्या। भाई एक नज़र में जनसंख्या ले लेते हैं, जैसे कि राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले घटते हुए क्रम में, मतलब 4 जिले हमें बताने हैं सर्वाधिक वाले। तो सबसे पहले आता है गाजियाबाद, फिर वाराणसी, लखनऊ और भदोही, संत रविदास नगर, याद रखना। तो ये गाइस जो 4 जिले हैं ये सबसे अधिक सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं। और सबसे कम में ले आते हैं राज्य में न्यूनतम जनघनत्व वाले 4 जिले कौन कौन से हैं। सबसे कम है ललितपुर, उससे अधिक है सोनभद्र, उससे अधिक हमीरपुर और उससे अधिक महोबा है। भाई 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच, मतलब 1 से 11 10 साल के बीच कितनी 10 की वृद्धि हुई है। तो भाई राज्य में कुल 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई 20.22% और राज्य के पुरुषों में 10 की जनसंख्या 19.31% हुई है। और राज्य की महिला जनसंख्या में 10 की वृद्धि जो हुई है 21.23% हुई है। और 2001 से 11 के मध्य राज्य में औसत वार्षिक वृद्धि जो हुई है वो 1.85% हुई है। राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 4 जिले घटते क्रम में कौन कौन से हैं। बहराइच 46.48%, गाजियाबाद 42.27%, गौतम बुद्ध नगर 37.11% और चित्रकूट में 29.43% है। भाई राज्य में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 4 जिले कौन कौन से हैं। श्रावस्ती में 5.02%, हमीरपुर में 5.80%, कानपुर नगर में 9.92% और बागपत में हमारा 11.95% है। और 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार हमारा जो राज्य का देश में स्थान है वह 14वां स्थान है। तो ठीक है गाइस, ये हमारी जनगणना हो गई। तो गाइस कुछ टॉपिक यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, जैसे कि राज्य की जनजातियों से संबंधित तथ्य। तो गाइस जो प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है वह हमारी थारू जनजाति है। थारू जनजाति का जो निवास स्थान है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है भाई। तो थारू जनजाति प्रदेश में 1 हो जाएगी। सेकेंड रैंक पर आता है हमारा कि प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति, सबसे कम जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है वह हमारी बनरावत है भाई। ठीक है गाइस, बनरावत सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, मतलब सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं भाई, सोनभद्र जिले में रहते हैं। और सेकंड है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत वाला जिला, तो सोनभद्र में ही है। अगला है गाइस यहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला हमारा जो सबसे कम है बागवत है, और जो यहाँ की परसेंटेज में मान लें तो वो भी हमारा बागवत ही है। अगला है गाइस यहाँ पर कि अनुसूचित जनजाति का राज्य की कुल की जनसंख्या में परसेंटेज। तो गाइस जो अनुसूचित जनजाति है इसका हम अगर परसेंटेज निकालें राज्य की कुल जनसंख्या में, तो इसका जो परसेंटेज आएगा 0.57%। तो भाई जो ST कैटागिरी के लोग हैं वो केवल 0.57% हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है गाइस, तो अगला है गाइस यहाँ पर कि राज्य में उच्च शिक्षा, भाई उच्च शिक्षा के लिए हमारे इलाहाबाद में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो भाई राज्य में उच्च शिक्षा के नियंत्रण व निर्देशन हेतु सन 1972 में उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। तो भाई हमारे प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय 4 हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर जो बनते हैं वो ये बनते हैं कि प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं। तो गाइस उत्तर प्रदेश में जो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है वह हमारी 4 है, जो कि इस प्रकार हैं भाई। पहला विश्वविद्यालय बनाया गया था हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, तो भाई इसकी जो स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में की गई थी। दूसरा यहाँ पर दे रखा है इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात AMU भी इसे कहते हैं, जो अलीगढ़ में बसी हुई है, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। थर्ड है गाइस यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में बनाया गया है, और जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। गाइस चौथा यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में बनाया गया है, और जिसकी स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। गाइस तो सबसे प्राचीन जो हमारा विश्वविद्यालय है वो यही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1887। तो गाइस याद रखना ये प्रदेश में हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए। अगला आता है गाइस यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलें, भाई उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं। भाई याद रखना झीलें आती हैं, कुछ ना कुछ एक ना एक झील आ जाती है। तो गाइस जो औंधी ताल झील है हमारी वाराणसी में स्थित है, बल्हपारा झील हमारी कानपुर में स्थित है,
इतौजा जो करेला नाम से जानी जाती है भाई मोहना में स्थित है, कीठम हमारी आगरा में स्थित है, बड़ा ताल अर्थात गोरखपुर अर्थात गोखुर जो कि शाहजहानपुर में स्थित है, केरला जो कि लखनऊ में स्थित है, बेतिया नैया प्रतापगढ़ में स्थित है, कुंद्रा समुंदर जो है हमारी उन्नाव जिले में स्थित है, मुंगताल जो है बिस्मिथा मुंगताल बिसैथा जो है हमारी रायबरेली में स्थित है, मोतीगौड़ जो है हमारे रामपुर में स्थित है, राजा का बांध सुल्तानपुर में स्थित है, और टंडा दरी भाई दर्रार दरारगढ़ जो मिर्ज़ापुर में स्थित है, रामगढ़ ताल हमारी गोरखपुर में स्थित है, मोराय ताल जो हमारी फतेहपुर में स्थित है, और बखीरा जो है संत कबीर नगर में इम्पोर्टेंट है, बखीरा रामगढ़ औंधी ताल बालपहाड़ फुलहर झील भाई फुलहर झील हमारी पीलीभीत में स्थित है। तो भाई याद रखना एक ना एक प्रश्न इस झील से आ ही जाता है। अगला टॉपिक है गाइस हमारा कि उत्तर प्रदेश में मुख्य नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर भाई कौन कौन सी नदी के किनारे कौन कौन सा नगर यहाँ पर बसा है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइस इससे भी एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्या है पहला दे रखा है गंगा। तो गाइस गंगा नदी के किनारे हमारे कानपुर वाराणसी गढ़मुक्तेश्वर सोरो राजघाट फरुखाबाद अनूपशहर कन्नौज इलाहाबाद जिसे प्रयागराज अब कहा जाता है मिर्ज़ापुर गाजीपुर ये शहर जो हैं हमारे गंगा नदी के किनारे बसे हैं। सेकंड है हमारी यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे गाइस मथुरा वृंदावन आगरा इटावा कालपी बटेश्वर कौसाम्बी हमीरपुर ये सारे के सारे जो नगर हैं ये यमुना नदी के किनारे बसे हैं। अगला है गाइस यहाँ पर गोमती। तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ जौनपुर सुल्तानपुर पीलीभीत शाहजहानपुर सीतापुर लखीमपुर खीरी ये सारे के सारे शहर हमारे गोमती नदी के किनारे बसे हैं। अगला है गाइस सरयू। सरयू के किनारे बस एक ही शहर बसा है वह हमारा अयोध्या अर्थात श्री राम की जन्मभूमि भाई अयोध्या जो है श्री राम की जन्मभूमि है जो कि सरयू नदी के तट के किनारे बसी है। अगला है गाइस राप्ती। तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बस्ती गोंडा बहराइची चार शहर हमारे बसे हैं, और रामगंगा नदी के किनारे बिजनौर मुरादाबाद बरेली और बदायूं ये चार शहर हमारे रामगंगा नदी के किनारे बसे हैं। तो गाइस ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक गाइस हमारा दे रखा है प्रमुख औद्यानिक फसलें भाई कौन कौन सी फसल कहाँ पर की जाती है। तो पहली आती है गाइस हमारी केला। तो केला की फसल के लिए वाराणसी बहुत ज़्यादा फेमस है भाई वाराणसी में सर्वाधिक केला किया जाता है, और भी इसके जो फेमस स्थान हैं इलाहाबाद गोरखपुर यहाँ पर भी इसकी अधिक मात्रा में उत्पाद किया जाता है। अगला है गाइस यहाँ पर आम। तो आम के लिए गाइस लखनऊ बहुत ज़्यादा फेमस है, लखनऊ को हम मलिहाबाद भी कहते हैं इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आम की जो खेती की जाती है सर्वाधिक की जाती है। तो गाइस लखनऊ बरेली मेरठ गाज़ियाबाद कानपुर सहारनपुर हरदोई यहाँ पर आम का जो है उत्पादन अधिक किया जाता है। अमरूद के लिए इलाहाबाद गाइस बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अमरूद जो है इलाहाबाद बरेली फैज़ाबाद इन सभी जगह पर अधिक उत्पादन किया जाता है। संतरा के लिए गाइस हमारा सहारनपुर बहुत ज़्यादा फेमस है, कुछ और जगह पर की जाती है जैसे कि बुंदेलखंड के कुछ और ज़िलों में भाई माल्टा आता है। माल्टा के लिए हमारा मेरठ बहुत ज़्यादा फेमस है, माल्टा के लिए मेरठ हो गया वाराणसी हो गया और सहारनपुर हो जाएगा। भाई अगला आता है यहाँ पर नींबू। तो नींबू के लिए सहारनपुर बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बड़ी मात्रा में सहारनपुर में नींबू किए जाते हैं। तो सहारनपुर मेरठ बुंदेलखंड क्षेत्र एवं पूर्वी प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्र मतलब जो पूर्वी एरिया में क्षेत्र आते हैं वो लगभग सभी नींबू का उत्पादन करते हैं। अगला है गाइस यहाँ पर लीची। तो लीची के लिए हमारा सहारनपुर बहुत ज़्यादा फेमस है और सेकंड स्थान पर हमारे मेरठ जगह बनाए हुए है। तो अगला गाइस यहाँ पर आता है आंवला। अब भाई आंवला ये आंवला हमारा जो है प्रतापगढ़ में सर्वाधिक किया जाता है। तो गाइस यह प्रश्न जो था हमारे यूपी पुलिस के भी एग्ज़ाम में आया था कि आंवला के उत्पादन में सर्वाधिक जो हमारा कौन सा ज़िला है। तो भाई जो प्रतापगढ़ है ये सबसे अधिक आंवला उत्पादन में अग्रणीय है। तो गाइस यूपी से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है। अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और यदि गाइस आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार पहले से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय जय हिंद जय भारत।